आने वाले कुछ दिन पाकिस्तान की सियासत के लिए बहुत ही अहम ठहरेंगे, क्योंकि रमजान के साथ अप्रैल की शुरुआत और इमरान खान के हर्फ जायचे और जोहरा और मुश्तरी का नस्ब की तरफ जाना इस बात को वाजह करता है कि फिल वक्त अगर इमरान खान दो कदम पीछे हुए तो आने वाले 10 कदम वो आगे चले जाएंगे, क्योंकि फिल वक्त की हार की हार के दिलों में उनके लिए मोहब्बत को बढ़ाएगी। इल्मे जफर के हिसाब से अगर वजीर आजम के मुकाम से हटते हैं तो यही उनकी कामयाबी की एक नई शुरुआत ठहरेगी और अगली इलेक्शन का वक्त अपनी मुद्दत से करीब होता हुआ चला जाएगा और अवाम की मोहब्बत के साथ एक नया मकाम उनको मिलेगा। लेकिन जायचे और दरीचों के हिसाब से इल्मे जफर इस बात को भी वाजह करता है कि जैसे जैसे लोगों के दिलों में मोहब्बत बढ़ती जाएगी वैसे वैसे दुश्मनों में भी इजाफा होगा, तभी वो अपने कदम ठहर ठहर के उठाएं। जहां भी जाते हैं तो काफी चीजों से एहतियात करें, क्योंकि आने वाले कुछ दिन उनके सेहत के लिए और जिंदगी के लिए थोड़े से अजीब दिख रहे हैं। अल्लाह पाक हमारे मुल्क और मुल्क के रहनुमाओं की हिफाजत फरमाए, और अगर हस्ब तौफीक 4 पैरों वाले जिंदा हिलाल जानवर का सदका निकालते हैं हर इतवार के दिन तो इंशाअल्लाह वो दुश्मनों के शर से अल्लाह की पनाह में रहेंगे, और हर नमाज के बाद या अल्लाह या रहमान 27 मरतबा और सूरह नस्र को 27 मरतबा पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह तमाम परेशानियों से अल्लाह उन्हें दूर रखेगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए वो करे जो हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतर है, जो हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतर है।